लालिस किचन। आज लालिस के किचन में बन रहे हैं एक यूनिक राजस्थानी डिश। इसके लिए हमने एक पूरी चिकन ली है और इसके जो है 8 पीस कर लिए हैं इस साइज के बड़े बड़े से। ठीक है, अब एक प्याली दही लेते, इसकी मैरिनेशन होगी। एक प्याली दही लिया, इधर हमने 1.5 चम्मच जितना नमक भर के डाल दिया है। अब हमने 1 भर के चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं 1 पिंच ऑफ फूड कलर, ऑरेंज कलर, इसका कलर अच्छा लाने के लिए। अब हमने डाला इसमें 1/2 चम्मच भर के ब्लैक पेपर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 ही चम्मच वाइट पेपर, 1 चम्मच भर के चाट मसाला। चम्मच भर के डाला इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर, और 1 चम्मच भर कर ही मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे हम। आप देखेंगे ये इस तरह की यूनिक और बेहतरीन डिश है कि इससे पहले आपने मेरे ख्याल से नाम ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो उसको पता भी होगा कि ये कितनी टेस्टी डिश है। तो इसलिए आप मेरे साथ साथ रहिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको हम मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 45 मिनट्स तो ज़रूरी रखना है। धनिया और हरी मिर्चें, इसको मैं मिक्स करना भूल गई थी, बाद में मिक्स करा है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको हरा धनिया और हरी मिर्च को जो है पेस्ट बना लिया, और इसके बाद इसके 2 चम्मच डाल दिए और बचा हुआ रख लिया, बाद में इस्तेमाल आएगा। अभी मेरे देखिएगा आप आगे। तो तेल डाला है और उसके बाद जो है ये सारे जो पीसेस हैं वो मैं इसमें डाल दिए। ये जो बैटर बचा हुआ है ये अभी हमारे काम आएगा। इसको हमने ना इस पैन के अंदर डालना है और ना इसको जो है ज़ाया करना है। ढक के पकाएंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये गल भी जाए और इसमें अच्छे तरीके से जितना भी अपना मसाले का फ्लेवर है ये अपने अंदर जस्ट पड़ जाए। खूबसूरत सी चिकन हमारी पक के रेडी हो चुकी है। इसके लिए अब हम एक और प्रोसेस से गुजारेंगे। इसको ये ग्रिल रखे मैंने, इस ग्रिल के ऊपर रख के इसको मैं हल्का हल्का सा कलर दे लूँगी। 2 तरीके का रहे, या तो आप इसको इस तरह कलर दे लें या इस तरह कोयला जला के वो कर दें। मैं इसको दोनों तरीके से ही गुजारूंगी क्योंकि चूल्हा ख़राब हो जाएगा ज़्यादा। ये जो बचा हुआ मसाला और ऑयल है इसको मैं यूज़ में लाऊंगी। इसको 3 सा प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है और ये बिल्कुल ग्रिल हो चुकी है। अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। एक मिट्टी के पॉट में मैंने ऑयल डाला है। ज़रूरी नहीं है, आपके पास मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें, कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच ऑयल डाला है क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी ऑयल बचा हुआ है और जो मैरिनेशन करी थी उसमें भी ऑयल है। इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला ऑयल को कवर करने के लिए। और बटर जो है मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें हमने लगा के रखी थी मैरिनेशन करी थी वो डाल देंगे। और ये जो अभी हमने इसमें चिकन पकाई है ये सारा ऑयल, और ये सारा इसी वजह से हमने स्टार्ट में जो ऑयल डाला वो कम डाला है कि इसमें ऑयल और वो पीसी थी, ये जो हरी मिर्च जो वो पीसी थी इसमें से थोड़ी सी बचा ली थी 2 चम्मच जितनी, ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। मैंने इसमें जो है 1 कप जितनी क्रीम जो है वो ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने के बाद इसको जो है चलाऊंगी मैं अच्छी तरीके से 2-4 चम्मच जितना तेज तेज। इसमें मैंने डाल दी है 1 कप जितनी क्रीम। इस क्रीम को मैं अब डाल के और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जब ऊपर आ गया है इसका तेल रोगन जो भी इसको कहते हैं वो आ गया है, तो अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त सा देख रहे हैं आप, चिकन ऐड होने के बाद कितना ज़बरदस्त फ्लेवर सा आ रहा है, कलर आ रहा है इसमें। ये देखिए हमारी कितना अच्छा। वो 2 तरीके बताए थे, चाहे तो आप ग्रिल से ग्रिल का कलर दे दें, चाहे तो आप इसको कोयले का वो भी दे सकते हैं। मैं इसको दोनों ही तरीके से कर रही हूँ। एक मैंने रोटी का पीस रख दिया है और ये मैंने कोयले को पहले से दहका लिया था, ये कोयला दहका लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, इसी में से कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसको
कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद खोलूंगी, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें हमारा चिक्का ज़बरदस्त सा चिकन बर्रा जो है वो पक के रेडी हो चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म है इसलिए मेरी हाथ चल रहे हैं। ये देखें यमी सा कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी, ये सब चीज़ें खा खा के अगर आप बोर हो चुके हैं और कुछ नया खाने को दिल है तो आप ज़रूर ये ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। देखें यमी सा चिकन बर्रा हमारा पक के रेडी हो चुका है। मेरा ख्याल से आप नाम सुन के ही ट्राई करेंगे, शायद ट्राई भी करना चाहिए आपको, ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।